तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग, और हम इसमें बात करेंगे लूप इफ लूप और इफ और वेरिएबल के मिक्स ऑफ एक प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली हमारे पास एक कॉल आया था हमारे एक कलीग का, मतलब कि एक पुराने स्टूडेंट का। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि उनके पास एक डेटा है, राइट? तो इस डेटा को इनके जो सेल्स पर्सन है, इस सेल्स पर्सन के हिसाब से अलग अलग फाइलों में सेपरेट करना है और फिर उन फाइल को मेल करना है। समझ गए? हेलो। हाँ सर, यस सर। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको माइक्रो एडिटिंग कराया था, माइक्रो की जब एडिटिंग कराया था तो हमने फिल्टर और इनपुट बॉक्स का एक प्रोग्राम बनाया था, याद है सर? यस सर। तो सेम उसी तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन ये है कि वहां भी क्या था कि हम नाम डालते थे, देन उसको सेपरेट एक फाइल में कन्वर्ट कर देता था, राइट सर? लेकिन यहां पे क्या है कि हमें पर्सन ऑफ नेम नहीं है, पर्सन ऑफ नेम नहीं है, मुझे उसी हिसाब से निकालना है और सारे को करना है। वहां पे तो एक बार में एक करता था, बट यहां मुझे सारे को करना है, जितने भी है सबको करना है, और फिर उन फाइलों को इनके इनसे इनकी ईमेल आईडी लेके हमें मेल भी करनी है। प्रोजेक्ट समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं डेटा के नाम है, इसे ज्यादा भी हो सकता है इसमें। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे मुझे इनके ईमेल आईडीज मिल जाएंगी, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इसका यूनिक लिस्ट निकालना है, फिर इस पूजा को उठाना है, पूजा को फिल्टर करना है, डेटा करके सेवज करके पूजा का बना देना है, और फिर उसके बाद इसमें से पूजा की ईमेल आईडी को ढूंढना है और फिर इसकी ईमेल आईडी को लेके उसको मेल कर देनी है। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सर। तो हम उससे उससे पहले भी हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का हेल्प लिया था, और आज भी चलिए हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का हेल्प लेते हैं ताकि आपका वो मेमोराइज हो जाए वो प्रीवियस क्लासेस। माइक्रो वन हमने फिल्टर अप्लाई किया और यहां से हमने पूजा को सिलेक्ट किया। पूजा, हाँ पूजा ले लेना। हमने पूजा को सिलेक्ट किया, डेटा हमने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्शन करने से पहले हम गो टू स्पेशल पे जरूर करेंगे ताकि पीछे का डेटा ना हो, विजुअल सेल्स ओनली। देन कॉपी करेंगे, एक नई सीट ऐड करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसका नाम पूजा रखेंगे, फिर इस सीट को मूव करेंगे और न्यू वर्कबुक में और उसको ओके कर देंगे, फिर इसको हम सेव एज करेंगे, और सेव एज करते ही हमें मान लीजिए कि एक ड्राइव में, एक ड्राइव में हम इसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाए, यहाँ पे काफी बड़ा माइक्रो। हाँ, ई ड्राइव में 2019 मिल जाते हैं, और इसके एक मिनट, और सेव कर देते हैं, और सेव की फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है सर? अब
अब उस मैक्रो को हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। हमने ले लिया ऐसे ही, क्योंकि आप इससे पहले वाले एग्जांपल में ऐसे ही बताया था, तो आप लोगों को याद हो जाएगा थोड़ा सा। सिलेक्शन ऑटो फिल्टर हटा दिया हमने, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, और उसके बाद इस अब यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है वो क्या है सर, यही पे सही करना है। ये पूरा रेंज को सिलेक्ट किया है इसने। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, और फिर विजुअल को किया सिलेक्शन, कॉपी सीट ऐड किया, पेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डॉट पेस्ट, अब सीट फोर डॉट सिलेक्ट, इसको हटा देता हूँ और यहाँ एक्टिव सीट लेता हूँ। अब इसको भी हटा देता हूँ। और ये रहने दीजिए, सीट डॉट मूव, इसकी भी एक्टिव सीट होगा। और डायरेक्टरी को हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, एक्टिव विंडो डॉट क्लोज, और ऊपर में हम डेटा सीट को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि जो रीडिंग सीट ही एक्टिवेट होगा, शीट्स डेटा। अब मुझे इसको लूपिंग के अंदर डालना है, ठीक है। ये हमारा एक पूजा को लेकर आएगा, अब लूपिंग के अंदर डालना है और पूजा को चेंज कर देना है, ताकि हर बार अलग अलग फाइल को बनाए। अब इसको कैसे करेंगे लूपिंग में, अब प्रॉब्लम यहां पे मेरे पास एक और भी है कि मेरे पास कितना बार लूप चलाना है हो, क्योंकि मेरे पास तो डेटा बहुत सारा है ना सर, 17,083 डेटा है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा, यहां लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कि डिम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन। अब न्यू कलेक्शन भी एक तरह का डेटा टाइप है, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। अब इसकी फीचर क्या है हम आपको अभी बताते हैं। टू चले कहां तक, जी के अकॉर्डिंग चलना है, तो रेंज सॉरी रेंज जी 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, ठीक है। और हम यहां पे करेंगे डी टी डॉट एड, क्या ऐड करना है, तो रेंज जी के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं आई को डॉट वैल्यू। और प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा एक टाइप की वैल्यू है, नंबर है तो नंबर ही लेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही लेगा, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे करेंगे चेंज एस टी आर नाम का फॉर्मूला है, जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है नंबर को, और इसमें हम यहीं पे देते हैं रेंज जी के साथ आई डॉट वैल्यू। सर ये चीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, चिंता मत कीजिए। और फिर नेक्स्ट आए, अब देखिए समझिए क्या है कि एक डीटी न्यू कलेक्शन, डीटी तो रहा है, न्यू कलेक्शन को समझिए। न्यू कलेक्शन एक वेरिएबल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक वैल्यू को एक ही बार एक्सेप्ट करता है। इसमें आप असंख्य वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि एक वैल्यू को सिर्फ एक ही बार एक्सेप्ट करता है वो। अगर मान लीजिए मैं पूजा उसके अंदर डाल दिया और फिर दोबारा पूजा डालूंगा तो एरर आएगा, और किसी भी कंडीशन में वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं कि डिम आर एज ए लॉन्ग कर दिया, और लॉन्ग में हम कर देते हैं आर इक्वल टू 50 कर देते हैं, फिर अगेन हम r इक्वल टू 50 करेंगे तो हमारा 50 एक्सेप्ट कर लेगा ना सर। बट अगर मैं लॉन्ग के जगह पे न्यू कलेक्शन दे दूं तो r 50 इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस पे एरर दे देगा।
तो हमें तो यूनिक वैल्यू ही निकालना है ना सर। तो जितनी भी वैल्यू इस पे स्टोर होगी वो हमारी यूनिक होगी, डुप्लीकेट स्टोर नहीं होगी। लेकिन एरर आएगा तो एरर को रोकने के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब इसमें जो हम ऐड इसमें डालने का पर्पस है डीटी डॉट ऐड, क्या ऐड करना है तो हमें इस वैल्यू को ऐड करना है। किस फॉर्मेट में ऐड करना है तो हमें टेक्स्ट में ऐड करना है, समझ गए सर? अगर ये नंबर रहता तो ये सी एस टी आर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत पड़ेगा आपको, एक फॉर्मेट मिलेगा फिर। अब स्ट्रिंग में ही डालेंगे हम हमेशा, ठीक है? तो कुछ भी रहे वहां पे स्ट्रिंग रहे नंबर है ये हमें लिखना ही पड़ेगा, सी आर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा स्ट्रिंग में। ओके, और सर ये कॉमा क्यों लगाया डॉट वैल्यू के बाद सी एस सी स्ट्रिंग से पहले? यार तो इसकी दो ए आपका इसका आशीष जी आप इस सवाल पूछते हैं समझ में आते, ये हमारे पास आइटम है की है तो देना सेपरेटेड तो देना पड़ेगा ना सर। ठीक है ठीक है, सॉरी मेरे को लगा सर कोई एक ये सिंटैक्स अलग है तो उसमें। ओके ओके, तो अब समझ में आ गया, तो जितने भी स्टोर है यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हुई है हमारी, जो भी वैल्यू हमारी स्टोर हुई है वो वैल्यू को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो हमारे पास फोर आई का था, एक हमारे पास फोर इच का भी होता है कि फोर इच आइटम इन डी टी नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम। ये भी लूप लगाने का तरीका है। अब जैसे कि आपने फोर लूप लगाते हो, फोर आई लगाते हो, तो इसमें स्टार्ट टू एंड देते हो ना सर? जब आपके पास ऐसा कुछ आए कि आपको स्टार्ट एंड पता नहीं, आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरा लूप उतना बार चले, जैसे कि फोर इच वर्क वर्क बुक्स, फोर इच ऑल वर्कशीट, फोर इच मतलब कि फोर इच फॉर सिलेक्शन, मतलब कि आपको एक सिलेक्टेड रेंज के अकॉर्डिंग, सिलेक्टेड सीट के अकॉर्डिंग, एक वर्कबुक के अकॉर्डिंग, ओपन वर्कबुक के अकॉर्डिंग, या फिर एक एरे में डली गई डेटा के अकॉर्डिंग लूप को रन करना है। तो उस केस में हम फोर इच का यूज करते हैं। तो ये एरे है हमारा, एक तरह से एरे कहलाएगा, इसलिए वो आइटम होगा, और आइटम किसकी तो हमारे डीटी की। ठीक है, और यहां जहां जहां हमें पूजा की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम आइटम दे देंगे, तो एक एक करके दे देगा। देखिए सुजीत सर एक डाउट है, दीपक बोल रहा हूँ सर। आपने जस्ट अभी यूज किया फॉर ईच आइटम इन डीटी, सो इनकेस कभी मुझे लाइक ये सिंटैक्स यूज करना पड़े फॉर ईच आइटम इन शीट, तो एक मिनट सुनिए ना, आइटम यूज होता है एरे पे, समझ गया ना? ये समझिए कि फोर इच का यूज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चले, तो इस तरह से जितने डीटी के अंदर जितने अंदर ऑब्जेक्ट है उतना बार लूप हमारा चलेगा, क्योंकि डीटी मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रखा है, समझ गए? तो यहाँ पे इसलिए हम फोर इच लगा रहे हैं। तो इसके इनके सारे शीट्स में वो लूपिंग हो जाए हो सकता है। आप ये भी लगा सकते हो कि सिलेक्टेड सीट के हर सेल पे चले, ठीक है? ठीक है, थोड़ी इसके बारे में बताएंगे, फिलहाल आप इस तरह से इसको रख लो। तो ए आपका, ए आपका बन गया। अब ए हो गया, इससे क्या होगा कि आपके इस फोल्डर में जितने नंबर ऑफ फाइल है सारे फाइल को वो स्टोर कर देगा, समझ गए? हेलो, अब
फाइल अभी यहाँ पे आइटम क्लोज हो गई, फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब फाइल क्रिएट हो गया तो अब मुझे उस फाइल को मेल करनी है आउटलुक के थ्रू, समझ गए? तो मुझे यहाँ पे मेल के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हिम आउट एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि आउटलुक अदर एप्लीकेशन है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देते हैं, समझ गए? सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई भी अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा, कोई और चीज के लिए नहीं? कोई और डिफरेंट विंडो ओपन कर रहे हैं, अगर जीमेल भी कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप आउटलुक का एक एग्जांपल दे रहे हो और मैं जीमेल के थ्रू सेंड करना चाहता हूं, तो भी एज एन ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका, इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा मेल एज ए ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट यहां डालना होगा। और यहां पे हम सेट आउट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पे किया क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आउट लुक डॉट एप्लीकेशन, समझ गए? आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, और फिर लिखते हैं सेट मेल। तो एक तो हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि आउटलुक डॉट क्रिएट आइटम कॉमा जीरो। क्रिएट आइटम की स्पेलिंग सही है ना? आउट ऐप आएगा ना मेरे ख्याल से? नहीं, जो हमने आउट यहां डिफाइन कर रखा है ना, तो ऐप क्यों लिखेंगे, जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे वही होगा ना। सी आर ई ए सी आर ई ए टी ई आइटम, ठीक है। तो ये हमारा मेल क्रिएट होगा, लेकिन इसको हमने लूप से बाहर रखा क्योंकि बार बार क्रिएट ना करे, ठीक है ना? तो ये सेट सेट का कुछ अलग होता है ये सेट? हाँ, आपको बताया था ना वेरिएबल्स में कि अगर आप नॉर्म डेटा स्टोर करते हो तो वो आपका डायरेक्ट होता है, इक्वल होता है, लेकिन जब आप कोई ऑब्जेक्ट असाइन करते हो तो सेट कहलाता है। जैसे रेंज में हमने सेट यूज किया था, पीछे क्लासेस भूल जाए आप। अब यहाँ पे लिखेंगे बिथ, अब यहाँ पे मुझे मेल भी तो निकालना है, मेल, तो यहाँ पे हमें मान लीजिए वी लुकअप लगाना है, तो यहाँ पे हम करते हैं ऊपर में वेरिएबल ले लेते हैं हिम आईडी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ हम करते हैं कि आईडी equal to application dot worksheet function dot vlookup, हम vlookup direct लगा देते हैं, vlookup, vlookup में lookup value हमारा item है, और किसमें lookup करना है, तो seats mail, ये आपका mail ही है ना, mailing mailing dot range a से लेके b तक and comma 2 comma 0, right sir? और फिर यहाँ पे करेंगे bit mail dot 2, 2 में क्या होगा, id होगा, एंड डॉट सी सी करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, टू बी सी सी करना है तो कीजिए वरना ब्लैंक छोड़ दीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है। टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने डाल दिया फाइल, और टू बॉडी,
यहाँ पे लिख दिया कि हाय करेंगे, रुकिए ना, एक एक ही करेंगे ना सर, मशीन नहीं हूँ मैं। बीवी न्यू लाइन, लाइन ब्रेक हो जाएगा, सॉरी, प्लीज फाइंड अटैच्ड फाइल, और फिर यहाँ पे मैं एंड 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 दूंगा और लिखूंगा वीवी न्यू लाइन लाइन, और यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और फिर वीवी वीवी न्यू लाइन क्यों दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी सर, हाँ जी, ये हमारा सर, ये क्यों दे रहा हूँ वीवी लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। हाँ अटैचमेंट्स डॉट एड, और यहाँ पे पाथ होगा, ये पूरा होगा। अच्छा एक्सएलएस एम नहीं कर दीजिए, एक्सएलएस एक्स कीजिए, बाकी चीज डालने की जरूरत नहीं है सर, वो चेंज कर दीजिए एक्सएलएस एस, वो डबल एस हो, एक्सएलएस एक्स। ठीक है सर, एक बार एक लिख लेता हूँ, अटैचमेंट्स स्पेलिंग लिख लेता हूँ, मैं बराबर स्पीड हो जाता है, अटैच अटैचमेंट्स डॉट ऐड, सही है। अगर मान लीजिए एक और अटैचमेंट करना है तो आप डॉट 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 अटैचमेंट ऐड, और फिर ऐसे ही करते चले जाइएगा सर। सीसी में अगर एक दो मेल और डालना है तो कॉमा के साथ डालेंगे क्या? कॉमा के साथ, हाँ कॉमा के साथ डालेंगे, और फिर यहाँ पे डॉट लास्ट में, याद रखिएगा डॉट सेंड जो होगा और लास्ट में होगा, पहले मत कीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एंड। चलिए अब इसको हम एक बार बना रन करके देखते हैं यहाँ से। सर आउटलुक ओपन करना पड़ेगा ना पहले? उससे पहले हम इसको कॉपी करके नोट पैड पर रख, किसी एक नोट पैड पर रख लेते हैं, वरना पता चला कि हैंग होके बंद हुआ तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फाइल क्रिएट किया, मेल किया है, हो रहा है। ये मैं आउटलुक में मैंने सिक्योरिटी वार्निंग को अनेबल नहीं कर रखा है, इससे बाबा अलाउ पूछ रहा है, सिक्योरिटी माइक्रो माइक्रो अनेबल कर दूंगा तो फिर नहीं करेगा। ठीक है सर, मेल आ गई, अटैचमेंट नहीं है इसमें सर, इसमें खाली आउटलुक ओपन करके रख लें। अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ दिक्कत है, एक और ऑन करता हूँ।
सेव कर लेता हूँ मैं। इस बार अटैचमेंट आ गया सब। जी सर, क्या आउटलुक में भी कोई सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी? हाँ, एक ही लोगों का मिल जाएगा। हाँ, आ रहा है, मैंने ऑलरेडी फाइल बना हुआ है ना पहले से। फाइल तो सबका बना रहा है। लेकिन वही है कि उसको सेव नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी फाइल बना हुआ है इसलिए सेव नहीं किया। सबका फाइल बना रहा है, ये तो सही है। और मेल जैसा आप बोल रहे थे सबका नहीं कर रहा था, तो हम इसके लिए आउट सेंड पे आते हैं। अब यहाँ पे इसको और सही तरह से रन करने के लिए मुझे जाना होगा इसमें 2019 के मेल वाले फोल्डर में, और पहले से बनी हुई फाइल्स को हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब एक बार फाइनली रन करके देखते हैं कि मेल सबको जाता है कि नहीं जाता है। फाइल तो बन रही है, तो मेल क्यों नहीं कर रहा है? वो डिसेबल लग रहा है सर, इस कारण से नहीं कर रहा है। या फिर तो नहीं, मुझे कुछ नहीं, यहाँ करना पड़ेगा इसको जो है सेट करना पड़ेगा हमें यहाँ। सेट आउट इक्वल टू लूप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेल इक्वल टू नथिंग। अब जो है आपका ये सही तरीके से परफॉर्म करेगा और सबको मेल मिल जाएगा। अब मुझे अब यहाँ पे एक दिक्कत और हो रही है ना कि बार बार मुझे डिलीट करना पड़ रहा है ना। क्या सर? हाँ सर, किल करके कुछ तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, किल, और किल में हम एक पाथ दे देते हैं। तो पहले से अगर कोई फाइल होगा उसको डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो एरर देगा, तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट को स्किप कर देगा। समझ गए?
हो गया, सेकंड में ला गया। ये हट जाता है यार, सेटिंग में चेंज कर दूंगा तो हट जाएगा ये, ठीक है ना? ये बार बार अलाउड देने नहीं पूछेगा। परफेक्ट, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है सर। तो ये फाइल में आप लोगों को भेज दूँ, इसको आप लोग अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। ऑन एरर हम सबसे ऊपर डालेंगे ना, जहाँ की क्लियर बोल रहे हो वहाँ। जहाँ पे ऑन एरर डालेंगे उसी से नीचे का एरर देखना शुरू करेगा वो, ऊपर डालोगे उसके ऊपर का नहीं। इसलिए अपने हिसाब से जहाँ से एरर आने वाले है उसी हिसाब से डालिएगा। सुजीत से एक क्वेरी थी, मतलब कि आउटलुक वगैरह में भी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है या खाली ओपन करके इसे? मैं बोल तो रहा हूँ ना कि आउटलुक में सेटिंग, जैसे ये आपको बार बार अलाउ देने आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए टूल्स में जाके सेटिंग करना होता है। तो ये आपको ये जो बार बार अलाउ करने के लिए आ रहा है, ये बार बार अलाउ करना नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना ना, मतलब ओपन कर लो और फाइल रन कर दो। आउटलुक को कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा ना आपको। ट्रस्ट सेंटर में होता है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, और इसमें होता है माइक्रो सेटिंग, अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग, इंस्टॉल अरेंज, एनेबल तो था ये। सर यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स देने से होगा, चलेगा ना? नहीं, ये आप इसकी ईमेल सिक्योरिटी, हाँ ओके, इसी में कुछ करना होता है। स्क्रिप्ट करो सर, ऊपर वाला क्या इनक्रिप्ट कंटेंट एंड अटैचमेंट फॉर आउटगोइंग मैसेज है? नहीं, वो तो ऑलरेडी है, वो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो सेटिंग चाहिए है जो उसको छेड़ना नहीं है, जो नहीं है उसको चेंज करना है। मैंने एक बार चलेगा सर, इसमें देखना पड़ेगा, हो जाएगा। मैंने एक बार किया था सर, जो आपने लास्ट में किया, सॉरी, जो सर कोड में आपने लास्ट में चेंजेस किए, वो क्या चेंजेस थे बेसिकली? क्या था कि यहाँ पे आपने देखा था कि एक बार एक क्रिएट हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार ही चल रहा था ये, समझ गए ना? वो सेकंड मैक सेकंड क्रिएट नहीं ले रहा था, तो हमने क्या किया, इसको लूप के अंदर में डाल दिया। ये यहाँ पे ना रखे, मैंने इसको इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। हमने इसको लूप के अंदर में डाल दिया, राइट, ताकि हर बार वो अप्लाई करे।